किसानों की समस्या को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। अपनी मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों व सदस्य ने सहारनपुर के कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष तौहीद अली ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर किसानों की समस्या को लेकर ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन देने वालों में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों व सदस्य मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन बेदी जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन बेदी जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी जिंदाबाद। जी आपका नाम? जय जवान जय किसान। मैं भारतीय किसान बेदी से जिला अध्यक्ष सहारनपुर। हमारा आज राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी जी का आदेश हुआ था कि प्रदेश के वे देश के किसानों की समस्याओं को लेकर हमने डीएम साहब को एक ज्ञापन देना था, जिसमें हमने अपनी विशेष मांगे रखी है कि प्रदेश के किसानों के साथ जो प्रदेश की सरकार ने एक वादा किया था चुनाव से पहले कि सरकार बनने पर किसानों के जो 12 पर मीटर लगने का पर काम चल रहा है वो मीटर नहीं लगेंगे। उसमें एक वादा होता कि सिंचाई के लिए किसानों को बिजली मुफ्त दी जाएगी, जो वादा पूरा नहीं किया। वो उसकी मांग को लेकर हम मिले हैं। और दूसरी मांग ये है कि किसानों को जो खाद पर डीजल पर सब्सिडी मिलनी चाहिए। तीसरी हमने उसमें एक मुख्य मांग ये रखी है कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश डिकैत जी के साथ जो कुछ लोगों ने गलत व्यवहार किया है, उन पर स्याही डाली, उनके जो है बहुत ही एक अजीब व्यवहार किया गया है, उसको लेकर हमने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ज्ञापन देने का काम किया है। और हमने ये मांग रखी है कि उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि देश व प्रदेश के अंदर ऐसी कभी हरकत किसी सम्मानित व्यक्ति के साथ ना की जाए। जय जवान जय किसान।